मैं डॉक्टर फिरोज दीन शेख, मैं यहाँ स्क्वास्ट शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो हमारी जो ले में जो स्टेशन है वहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में। यहाँ पे मैं पश्मीना गोट्स के रिसर्च के ऊपर काम कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। ले में जो हमारा जो पश्मीना गोट है, जो कि चंगथंगी गोट ब्रीड है, वो वर्ल्ड में फेमस माना जाता है। हालांकि पश्मीना गोट जो है पूरा राउंड द वर्ल्ड, मतलब हर जगह पाया जाता है। हमारा जो वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन है 1% है, मगर हमारा नंबर वन माना जाता है। नंबर वन इस हिसाब से पश्मीना फाइबर का जो क्वालिटी है, जो कि फाइबर लेंथ और फाइबर डायमीटर, हमारे यहाँ पे सबसे फाइनेस्ट फाइबर पाया जाता है। 2009 में हमने देखा है कि 12 माइक्रोन तक भी यहाँ पे फाइबर निकाला जाता है। तो पश्मीना गोट यहाँ अभी टोटल जो है 2,34,000 है। तो वो सारे पश्मीना गोट से ही जो हमारा प्रोडक्शन है वो 445 टन पर एनम निकलता है। जब रॉ पश्मीना निकलता है तो उसको डी हेयर करना पड़ता है। डी हेयर मतलब जब कॉम्बिंग के टाइम पे कुछ हेयर रहता है उनको वो निकालना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बना है लद्दाख, जो चंगथंग ग्रोअर्स एसोसिएशन का, तो वहाँ पे उन्होंने डी हेयरिंग प्लांट लगाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो वहाँ पे लेके इनको फिर पहले डी हेयर करते हैं। डी हेयर करने के बाद जो 30-35% जो है डी हेयर जो फाइबर जो होता है उसका वैल्यू बहुत होता है। अभी रेट तो बहुत फ्लक्चुएट होते रहता है, अभी 2,500 तो कभी 3,000 तक भी रेट्स जाते हैं। तो इसी हिसाब से डी हेयर का ज़्यादा वैल्यू होता है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। इसीलिए पहले यहाँ से फिर उसको वहाँ पे ले जाके डी हेयर करते हैं, और यही फाइबर जो है फिर इसके बाद इसको प्रोसेसिंग के लिए कश्मीर में जाता है। वहाँ पे इनको फिर थ्रेड बनाते हैं। थ्रेड बनाने के बाद फिर वहाँ पे आर्टिजन्स जो है कश्मीर के जो व्यूवर्स हैं वो उनको फाइनली वो शॉल के रूप में इनको या फिर बाकी प्रोडक्ट्स में उनको शेप देते हैं, और उनका काफ़ी वैल्यू होता है। और यहाँ पे जो पतला, सबसे पतला और सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला शॉल जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसका वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है।